दोस्तों, आपको आज एक नज़ारा पेश किया जाएगा कोलकाता शहर। वैसे तो शहर कोलकाता पुराना एक शहर है जिसके हर कोने कोने में नज़ारे भरे हुए हैं, धार्मिक हों, वैज्ञानिक हों या फिर कुदरती हों। मालिक की ऐसी कृपा है, ऐसी देन है कि कोलकाता शहर नज़ारों से भरा पड़ा है। हर किस्म के, जैसा इंसान वैसे नज़ारे कुदरत ने वहाँ पेश कर रखे हैं, चाहे वो कैसे भी हों, टेक्निकल हों, वैज्ञानिक हों, धार्मिक हों या कुदरती हों या रंगमंच के हों, जैसे भी। तो आज जो नज़ारा आपको ये पेश किया जा रहा है, ये साइंस सिटी ऑफ कोलकाता, नॉलेज से भरपूर, आनंद से भरपूर एक ऐसी जगह है साइंस सिटी। जब भी कभी कलकत्ता चक्कर लगे तो इसका आनंद ज़रूर मानिएगा। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में इसलिए कर दिया कि थोड़ी लंबी होती जा रही थी, और सिंगल पार्ट में इसका वो आनंद आप नहीं ले पाते जो आप अभी ले पा रहे हो। वैसे तो साइंस सिटी कोलकाता को अगर फिल्माया जाए तो शायद कई दिन भी कम पड़ जाएंगे, फिर भी आपके लिए कुछ खास अहम सीन जिनको मैं कैप्चर कर पाया आपकी हाजिरी में भेंट कर दिए, आपको आनंद लेने के लिए, नॉलेज के लिए। अपने बच्चों को यहाँ एक बार ज़रूर सैर करवाइए, बहुत ही आनंद जगह है, और इस जगह का खुद भी मज़ा लेना, और इसी मज़े में आप भी बच्चों को भी साथ सहयोग देना। इस सिटी के अंदर, साइंस सिटी के अंदर जो शोज़ चलते हैं वहाँ पे अनुमति नहीं होती कि आप उसको कैप्चर करो। 3D शो जो वहाँ पे चलते हैं, बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से शोज़ चलते हैं, और उनको कैप्चर करने की वहाँ पे कोई अनुमति, कोई परमिशन नहीं है। इसलिए उन शोज़ को कैप्चर करने के लिए बहुत टाइम, बहुत आला किस्म के शूटिंग कैमराज की ज़रूरत भी पड़ती है। इसलिए जो नेचुरली ओपनली सीन्स हैं उसमें वीडियोस क्लिप्स आपके लिए पेश किए गए हैं, आप ज़रूर इसका आनंद लेना, और इस वीडियो को एंड तक देखना। आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली नहीं देखोगे तो उसमें वो आनंद नहीं मिलता जो एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए अधूरा देखने से मिलेगा। साइंस सिटी कोलकाता के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, अपनी पुरातन संस्कृति, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। शाम के टाइम में रंगीन चलते हुए फव्वारे, और वहाँ पे खान पान का बंदोबस्त सब कुछ आपको मुहैया है। एक टाइप का नॉलेजफुल पिकनिक जिसको हम बोलेंगे, वो आपको साइंस सिटी कोलकाता प्रदान करता है, और गवर्नमेंट ने, सोसाइटी ने इस जगह पे थोड़ा सा रेंट समझ लो या आपके जाने की फ़ीस समझ लो, उसको रखा गया है, और उसको मेंटेन करने के लिए और दुनिया के लिए ऐसी चीज़ पेश करने के लिए वो फीस कुछ भी नहीं है। और अगर आपने उसका आनंद लेना है तो उस फीस को देखते हुए, उस टिकट को देखते हुए इससे आनंद से वंचित नहीं होना है। और इसके अंदर के जो नज़ारे हैं, जो फ़ोटो में, फिल्म में आपको मिल रहे हैं, जैसे एक्वेरियम सेक्शन है, वहाँ पे पुरातन हेरिटेज सेक्शन है, उसके अलावा अन्य कई सेक्शन हैं, बाहर जीव जंतु वगैरह भी हैं, और वहाँ का कुदरती दृश्य जो बनाया गया है, बाकी जो फिजिकली वहाँ पे आप पहुँच जाओगे तो आपका आनंद कुछ और हो जाएगा। हो सकता है इस वीडियो से वो आनंद आपको देखने के लिए खींच करे कि हाँ, हम भी वहाँ पहुँचे। तो मेरी वीडियो आपको दिखाने का मकसद, मेरे ये क्लिप्स आपको दिखाने का मकसद सफल हो जाएगा अगर आपके मन में ये एक तनक उठेगी कि हम भी इस जगह को खुद अपनी आंखों से देख के आएँ। इसमें हर नज़ारा, हर सीन देखने लायक बनता है, इसीलिए कोशिश की गई है कि छोटे से वीडियो के ज़रिए इस चीज़ को आप तक पहुँचा दिया जाए। बहुत से कुछ भाई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका आनंद पहले ले लिया होगा, और फिर भी हो सकता आपके पास ऐसी कैप्चरिंग ना हो जैसी मैंने कोशिश की है, या ऐसी
सीरियल कैप्चरिंग ना हो जैसी मैंने कोशिश की है, तो इसका एक बार आनंद ज़रूर लें। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है साइंस सिटी ऑफ कोलकाता, और इसका जितना आनंद आप ले पाओगे लेने की कोशिश करना, बाकी ज़रूरत आपके अंदर पैदा हो जाए, इसको देखने की तांग पैदा हो जाए, तो ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाल के इस मनोरम जगह का एक चक्कर ज़रूर लाना। यही ज़िंदगी के ख्वाब हैं, यही ज़िंदगी के मज़े हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, खुदा हाफिज़, मिलते रहेंगे, आपका प्यार बना रहे। जय हिंद, जय भारत।